हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। चलिए, तो आपने क्वेश्चंस लगाए। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था क्यूब क्या होता है ना? और उस क्यूब में कुछ चीजें देखा था हमने, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी क्यूब की। आज हम देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या चीज होती है, इसे समझिए। क्यूब रूट जो होता है किसी भी नंबर का, वो क्यूब रूट एक ऐसा नंबर होता है जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर दे दे। सीधे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपसे पूछें व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का क्यूब रूट क्या है? तो 27 का क्यूब रूट बहुत सिंपली, पहले तो इसको दिखाएंगे कैसे। इतना लंबा क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, हमने एक सिंबल यूज किया हुआ है। इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं और सिंबल ये होता है क्यूब रूट ऑफ 27। ध्यान रखना, ये इस तरह से जैसे स्क्वायर रूट बनाते थे ना, तो यहां पर 3 लिख दिया जाता है। ध्यान रखना, आप ऐसा लिखेंगे अंदर, इसको अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये सेम नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो आपको यहां पर यानी कि ये साइन बनाते हैं, इसके अंदर यहां पर क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो वो बताता है कि वो क्या है, क्यूब रूट है। क्लियर है? अच्छा, अब हमें 27 का क्यूब रूट निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 27 हो जाए। तो हमें पता है 3 3 9 3 27, 3 को 3 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, 27 आ जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 इज ए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर होता है 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर एक बात और समझ ले। अगर कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में 2 जीरोस हो, उसका कोई भी इंटीग्रल क्यूब रूट नहीं होगा, मतलब कोई इंटीजर नहीं होगा उसका क्यूब रूट, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर लास्ट में 2 जीरो आते हैं तो वो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी कि 100 जो है वो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, और अगर 3 जीरोस आते हैं तो उसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। ठीक है, हमारे पास तो 100 का कोई क्यूब रूट नहीं होगा, लेकिन 1000 का क्यूब रूट होगा। अगर हम यहां पर 1000 लिखते हैं तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, एक ऐसा नंबर जैसे 3 टाइम्स आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आ जाए, तो आंसर आएगा 10। क्लियर है? एक चीज और समझ लें, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होगा। अगर हम -27 का क्यूब रूट निकालने को बोले तो कितना आएगा, -3 आएगा। अब यहां पर आप हमेशा सावधान रहें कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, देयर इज नो रियल नंबर फॉर दैट। क्लियर है? लेकिन नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट होता है और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है। क्लियर, बात समझ में आई? तो आपके बुक में एक मेथड है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम देखेंगे फाइंडिंग क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टर्स से कैसे आप क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर से क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। इट इज दैट मच सिंपल। हमारे पास है क्वेश्चन, मान लेते हैं 5832। ठीक है, 5832, इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या किया जाए, हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो होगा नहीं, 7 8 2 9 9 18, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो हम लिखेंगे therefore cube root of 5832 equals cube root of ये सारे नंबर्स। तो अगर आप देखें तो 2 का 2 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 3 टाइम्स आया है, इसका मतलब 2 क्यूब आएगा यहां पर। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 क्यूब।
और 3 कितनी बार आया है, तो दो बार क्यूब के फॉर्म में आया है, तो हम इसको दो बार क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब यहां पर जो क्यूब है ना उसमें से एक बाहर आएगा, ठीक है, और ये साइन खत्म हो जाएगा। आप ध्यान कीजिए, जब हमने स्क्वायर रूट में किया था तो यहाँ जो पेयर होता था उसमें से एक बाहर आता है, और यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में से एक बाहर आएगा, तो 2 क्यूब में से 1 2 बाहर आएगा, 3 क्यूब में से 1 3 बाहर आएगा, 3 क्यूब में से फिर 1 3 बाहर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो हमारे पास आंसर आ गया कि 5832 का जो क्यूब रूट है वो कितना होता है, 18 होता है। क्लियर, बात समझ में आई? कोई और क्वेश्चन करें? चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 216000, ठीक है, 216000, 216000 लिया हमने, तो हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 216000। अब इस क्वेश्चन में अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो 216000 अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 0 0 0, फिर अगर हम 2 से करें तो 2 5 जा 10 2 4 जा 8 0 0 0, फिर क्या हो जाएगा, 2 27 जा और फिर 0 0 0, फिर क्या होगा, 3 9 जा 27 0 0 0, फिर 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 0, फिर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 0, फिर अच्छा यहाँ अभी भी ये 2 से हो सकता था, मैंने किया नहीं यहाँ पर, ठीक है, कुछ रीजन से, आप चाहें तो आपका एक्चुअली 2 से ही करना है। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 5 जा 10 0 0, फिर से 2 लिया तो कितना हो जाएगा ये 250, फिर से 2 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, और अब 5 ले लीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। क्लियर है? तो हमारे पास हमने देखा कि 2 जो है वो क्यूब में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक, तो 2 क्यूब इंटू, फिर 3 जो है वो भी क्यूब में आ रहा है तो उसे हम लिखते हैं 3 क्यूब, फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 फिर से क्यूब में हमारे पास है तो 2 क्यूब, और उसके बाद हम देखते हैं कि 5 भी क्यूब में है तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटू 5 क्यूब। क्लियर है? तो अब आप देखिए हर क्यूब में से एक बाहर आने वाला है, तो 2 क्यूब में से 1 2 बाहर आएगा, 3 क्यूब में से 1 3 बाहर आएगा, 2 क्यूब में से 1 2 आएगा, 5 क्यूब में से 1 5 आएगा, तो हमारे पास कुल मिला के आ गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 2 जा 12, 5 जा 16। तो हमने देखा 216000 का जो क्यूब रूट है वो कितना होगा, 60 होगा। क्लियर? इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। उसमें सबसे पहले हमें करना यह होता है कि हम माइनस साइन को ओमिट कर देते हैं, बिना माइनस साइन के चीजों को लगाने की कोशिश करते हैं। हमको फाइंड करना, मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ -1728। ध्यान रखना बेटा, जितने क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं यहां पर, ये सब आपके वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस हैं। अब आप 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से लेंगे तो ये 108 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो ये 54 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो ये 27 आ जाएगा, फिर 3 से लेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ माइनस साइन को लिखे रहने देते हैं एक ही बार, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 क्यूब, ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर से 2 क्यूब, क्योंकि 2 जो है वो 3 3 के ग्रुप्स में दो बार आया हुआ है और 3 जो है वो 3 के ग्रुप्स में एक ही बार आया हुआ है, तो 3 क्यूब। अभी क्या होने वाला है, अभी होने वाला ये है कि माइनस का क्यूब रूट, हमने आपको बताया हुआ है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, हमने माइनस बाहर ले लिया। अब इस 2 क्यूब में से 1 2 बाहर आएगा, इस 2 क्यूब में से 1 2 बाहर आएगा, इस 3 क्यूब में से 1 3 बाहर आएगा, और फाइनली आंसर मिलेंगे 12। सो यू विल गेट द आंसर -12, सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ
नेगेटिव 1728 इज नेगेटिव 12, ठीक है, माइनस का 12 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो कैसे लगाएंगे, तो एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, 3 और 4 में एक प्रॉपर्टी लगती है, उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है कि क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है शायद, तो क्या होगा वो क्वेश्चन, लेट अस चेक इट आउट। वी हैव क्यूब रूट ऑफ, सीधे एक क्वेश्चन करना है तो नेगेटिव वाला ही ले लेते हैं, 3375 इंटू माइनस ऑफ 729, नेगेटिव ऑफ 729। तो इसे लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ 3375 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 729। सो नाउ वी हैव क्यूब रूट ऑफ, अब यहां पर 3375 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15, अगेन 3 3 9 एंड 2 11, सो 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3 3 1 3 3 2 6 एंड 3 5 15, देन वी हैव 5 25 125 एंड देन 5 5 25 एंड देन 5 5, सो वी हैव 3 क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब, ठीक। इसी तरह से हम 729 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 729 तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, देन वी हैव 3 8 24, 3 1 3, देन वी हैव 3 2 6, 3 7 21, देन वी हैव 3 9 27, देन 3 3 9 एंड देन 3 1 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माइनस 729 है हमारे पास, इसमें क्या हो जाने वाला है, इसमें हो जाने वाला है क्यूब रूट ऑफ, माइनस साइन लिख लेंगे और 3 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब, सो 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब ये आने वाला है। तो यहाँ 3 क्यूब से 3 बाहर आ जाएगा, 5 क्यूब से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन डिटेन कर लेंगे और 3 क्यूब में से 3 बाहर आएगा, दूसरे 3 क्यूब में से 3 बाहर आएगा, माइनस सबसे आगे लिख लेते हैं और आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 9 5 45 एंड 45 3 135, 3 5 15 3 45 एंड 45 3 -135, क्लियर है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है उसमें भी आपको इसी तरह से प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, इस बार आप फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी क्यूब रूट ए अपॉन बी इक्वल्स क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। तो एक एग्जाम्पल उसमें भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट ले रहा हूं मैं। तो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ -512 अपॉन 343, तो हमें पता है इसे लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ -512 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343, प्रॉपर्टी यूज करके क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे माइनस पहले ले लेंगे और 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए, जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर आप 2 से ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 64, फिर से 2 से तो ये 32, फिर 2 से लीजिए तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, कितनी बार ट्रिपलेट्स आ रही हैं, 3 3 के ये 3 टाइम्स आ रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि टोटल एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ 3 3 6 एंड 3 9।
फिर इसी तरह से आप 343 को जब आप करेंगे तब क्या आ जाएगा 343 में आपका, तो 343 में भी आप देखेंगे इसे हम करते हैं 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, है ना, तो 7 लेते हैं सीधे सीधे, तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, सो वी कैन राइट हियर 7 इनटू 7 इनटू 7। अभी क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव वाला साइन है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इस 2 क्यूब में से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2 आएगा और इस पूरे में से एक 7 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा -8/7, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ -512 एंड 343। ठीक है, अब इसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं आपके, वो क्या है कि 5400 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना, व्हाट इज द नंबर बाय व्हिच 5400 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो बहुत आसान है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, किसका, 5400 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5400 हमने यहां लिखा 5400 और इसका प्राइम फैक्टर निकालना शुरू किया, 2 से लेंगे तो 2700 आ जाएगा, फिर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 1 3 5 0 आ जाएगा, फिर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 625, और फिर अब यहाँ 2 से नहीं हो पाएगा तो हम 5 ले लेते हैं, तो वैसे 3 से हो जाएगा, 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 नहीं 3 से नहीं होगा, 5 ही लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से लेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो हम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो 5400 इसे ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखें तो ये 2 क्यूब हो जाएगा और 5 का भी देखें तो 5 क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक 5 अकेला बच गया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता है परफेक्ट क्यूब नंबर में हर नंबर जो है वो क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए, यानी हर जो प्राइम नंबर आता है उसकी पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर 3 नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर क्या है, 1 है, तो कितने 5 कम है, 2 5s कम है, सो टू मेक ट्रिपलेट हाउ मेनी 5s आर नीडेड, 2 5s, है ना, 5 into 5 is needed, therefore we multiply 5400 by 25। ठीक है, हमें 2500 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो therefore 5400 into 25 ये कर देंगे, जो भी आएगा वो नंबर आ जाएगा, जो नया नंबर होगा, जो एक परफेक्ट क्यूब है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सीरीज में, इसमें डिवाइड करना है 16384। क्वेश्चन ये कि इसे किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, 16324, सो वी हैव 16384, हम इसे 2 से लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से लिया, 2 4 जा 8, 0 आएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 1 जा 2 0, 2 4, फिर से लेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, 5 1 2, फिर से 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 2 6 जा 2 5 6 होगा ना, और फिर 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 128, फिर 2 से लेंगे तो क्या होगा, 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, और फिर यहाँ लेना होगा हमको 16, यहाँ ले लेते हैं, 16 आया हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 1 जा 2। ठीक है, इतना आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore 16384 can be written as, 3 की ट्रिपलेट देखते हैं, एक ट्रिपलेट, ठीक, फिर इसके बाद दूसरी ट्रिपलेट into 2 to the power 3, फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरी ट्रिपलेट, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 to the power 3, और फिर एक 2 यहाँ आया, 2 यहाँ से ले लेंगे तो एक और ट्रिपलेट आ गई, फिर इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 to the power 2 बचा। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि सारे 2 जो है वो क्यूब्स में आ रहे हैं, सिर्फ एक 2 जो है वो
इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रही है, इसमें ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट हो रही है, पावर टू है, हमें थ्री पावर चाहिए, तो कितने टू कम है, लेकिन मल्टीप्लाई करना होता तो एक टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए इस पूरे को ही खत्म करना होगा, मतलब हम टू टू द पावर फोर से डिवाइड कर देंगे, सॉरी टू टू द पावर टू से डिवाइड कर देंगे, तो सिंस टू टू द पावर टू इज नॉट इन ट्रिपलेट, इज नॉट इन ट्रिपलेट, देयरफॉर वी डिवाइड, देयरफॉर वी डिवाइड 16384 by 2 to the power 2 means 4 to make it a perfect square, to make it a perfect cube, sorry not perfect square, perfect cube, ठीक है, इसे हम perfect cube बनाने के लिए इस number से divide करते हैं, so this completes your worksheet 2, clear, तो आप videos देखते रहें, videos को like करना, share करना और subscribe करना ना भूलें, ठीक है, till then, God bless you.